मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड क्लास में एसएसटी पढ़ेंगे। आप अपनी बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 64, लेसन 12, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेट अस नाउ लर्न अबाउट अनदर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच एक्सिस्ट अराउंड 4500 ईयर्स एगो। आपने अभी पढ़ा था ना, एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, जिसका दूसरा नाम क्या है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि 4500 ईयर्स पहले थी। दिस इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया, और ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है किसकी, इंडिया की। इट्स रिमेन वर ब्रड ब्रिट्स अंडरग्राउंड फॉर मैनी मैनी ईयर्स। इसके जो रिमेन्स हैं वो जमीन के अंदर दफन हो गए थे बहुत साल पहले। Two important cities of the civilization were discovered in the valley of the river Indus, Harappa in 1921 and Mohenjo-daro in 1922. Latest archaeologists discovered many other cities. इनकी जो main cities थी दो civilization की, वो discover हुई थी जो कि valleys of the river Indus, river जो आपकी नदी है इंदूर, उसकी वैली घाटी में, हरप्पा जो 1921 एंड मोहनजोदारो 1922 में। और लेटेस्ट आजकल के जो पुरान तक जो देखता है, जो कि डिस्कवर करते हैं, उन्होंने इस सिटीज के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कवर किया। सिर्फ हरप्पा वाज वन ऑफ द फर्स्ट सिटीज टू बी डिस्कवर्ड, दिस सिविलाइजेशन इज कॉल्ड द हरप्पन सिविलाइजेशन। How do we know about Harappa and its people? The remain of the cities tell us a lot about this civilization. हमें कैसे पता लगेगा कि भाई हरप्पा जो है वहाँ के रहने वाले पीपल्स कैसे थे, तो ये हमें इनकी सिटीज से पता लगेगा। Historians have also found many things such as old bricks, जो historians थे या पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने ये things जो है जो कि हरप्पा के टाइम की थी, जैसे कि old bricks, पुरानी ईंटें और रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स एंड हाउस, टूटे हुए घर और बिल्डिंग्स, ज्वेलरी पीस ऑफ पोट्रीज एंड सील्स, जो कि उनकी ज्वेलरी थी और उनकी जो पोर्ट्स थे उसके पीसीस थे और उनकी सील्स थी। द सील्स आर फ्लैट पीस ऑफ स्टोन और मेटल्स विद कवरिंग ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस एनिमल्स एंड द हरप्पन लाइटिंग ऑन देम। और जो उनकी सील्स थी वो किसके पीस की थी, स्टोन्स के पीस की थी और मेटल से बनी हुई थी, जिसके ऊपर उनके भगवान की, देवी देवताओं की फोटो थी, एनिमल्स की फोटो होती थी और उनकी राइटिंग होती थी। अब लोकेशन लेसन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोकेशन हम पढ़ेंगे। लोकेशन, लुक एट द मैप, ये देखो आप पेज नंबर 64 पे मैप बना हुआ है। यू कैन सी दैट द सिविलाइजेशन वर स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया कवरिंग पार्ट ऑफ ए मॉडर्न डे इंडिया एंड पाकिस्तान। ये देखो ये ग्रीन कलर से जो कवर हुआ हुआ है, ये सारा क्या है, ये मैप में जो दिया हुआ है, ये इस सिविलाइजेशन है जो ये कवर हुई है, जिसने कि मोस्ट ऑफ द सिटीज वर नियर रिवर, जो रिवर के पास में है, बहुत सारी सिटीज जो है सब रिवर के पास में है। और कौन सा पार्ट कवर किया हुआ है, इंडिया एंड पाकिस्तान का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज वर हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोटन, कालीबाकान, धोलावीरा एंड रोपड़। ये जो मेन जो है सिटीज हैं जो कि इस एरिया में कवर है, जो कि रिवर के, नदी के किनारों पर बनी हुई है सिटीज। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स अबाउट द हरप्पन सिविलाइजेशन इज दैट द सिटीज वर वेरी वेल प्लान्ड एंड हैव लेटेस्ट फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। जो मेन रिमार्केबल, जो मतलब ध्यान रखने योग्य बात ये है इस सिविलाइजेशन की, कि जो इसकी सिटीज थी वो बहुत वेरी वेल प्लान थी, अच्छे से प्लान करके बनी हुई थी इतने साल पहले भी। नेक्स्ट पेज नंबर 65, द हाउसेज एंड बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ मड और क्ले ब्रिक्स दैट हैड बीन बेक्ड और हीटेड इन एन ओवन और इन ए क्लीन। जो हाउस और बिल्डिंग्स बनी हुई थी वो मिट्टी की और मिट्टी से बनी हुई ईंटों की थी, जो कि ईंटें बहुत अच्छे से बेक्ड होती थी या हीट होती थी किसमें, ओवन में और आग में पकती थी। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस प्रोसेस ऑफ
बहुत क्लीन रखते थे। द मेन रोड वर वाइड एंड स्ट्रेट, और जो मेन रोड थी वो बहुत चौड़ी और स्ट्रेट थी, सीधी थी। पीपल एंटर देयर हाउस फ्रॉम द साइड स्ट्रीट, और पीपल अपने घर में जो है साइड वाली गलियों में से अपने घर में जाते थे। दिस टेल अस दैट द हरप्पन वर वेरी स्किल्ड इंजीनियर एंड बिल्डर, इससे हमें ये पता लगता है कि उस टाइम में भी, हरप्पन के टाइम में भी जो थे बहुत कुशल इंजीनियर और बिल्डर्स थे। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैड ए कोर्टयार्ड इन द सेंटर, और ज़्यादातर घरों में क्या था कि जो घर बने हुए थे उनके सेंटर में क्या बने हुए थे, आंगन बने हुए थे, यानी कोर्टयार्ड किसको बोलते हैं, आंगन को। द हाउसेज हैड मेनी रूम्स, और हाउसेज में बहुत सारे रूम थे। मोस्ट ऑफ द हाउस हैड ए वेल, और ज़्यादातर हाउसेज में क्या बने हुए थे, वेल यानी कुएं बने हुए थे। सम ऑफ द हाउसेज हैड टू स्टोरीज, और कुछ हाउस टू स्टोरी थे यानी ऊपर भी मकान बने हुए थे। दीज बिलोंग टू द रिचर पीपल, और वो किनके हुआ करते थे, जो उस टाइम के अमीर लोग थे, रिच लोग थे, पैसे वाले। द बाथरूम वर वेल मेड, दे हैड स्लोपिंग फ्लोर्स टू अलाउ द डर्टी वाटर टू ड्रेन आउट, और बाथरूम भी जो थे वो बहुत अच्छे बने हुए थे, और उनका जो फ्लोर था वो ढलान में था ताकि जो गंदा पानी है वो बाहर जा सके। Why do you not think that drains were covered? आप ये सोचो कि वो ड्रेन्स जो थी उनको कवर क्यों रखा जाता था, आपने कभी सोचा है इस बारे में? Besides houses, some other important buildings have also been covered. In Mohenjo-daro, a big water tank has been found. ज़्यादातर घर की जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग थी उनके वहाँ जो है वो हाउसेज को कवर रखा जाता था, और मोहनजोदारो एक बहुत बड़ा टैंक था जो कि उस टैंक पे मिला था। दिस हैज बीन नेम्ड द ग्रेट बाथ, और उसका जो नाम है वो ग्रेट बाथ के नाम से रखा गया था। इन मैनी हैव बीन यूज फॉर रिलीजियस पर्पज, और उसको ज़्यादातर जो है धार्मिक पर्पज के लिए यूज किया जाता था। हरप्पा हैज द रिमेन ऑफ ए बिग ग्रेनरी विच मे हैव बीन यूज टू स्टोर एक्स्ट्रा ग्रेन, और उस टाइम पे जो एक बिग बहुत बड़ा अन्न भंडार था जिसको कि ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था। ये देखिए यहाँ पे बुक में बना हुआ था ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, कितना बड़ा बाथ को बना हुआ है मोहनजोदारो का, और द ग्रेनरी ऑफ हरप्पा, और जो ये जो देखो ग्रेनरी बनी हुई है, अन्न भंडार कितना बड़ा बना हुआ है। लाइफ ऑफ द पीपल्स, वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी थी। हरप्पा सोसाइटी है फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट वर्कर्स, बिल्डर्स एंड ऑफिशियल हु प्रॉपरली लुक आफ्टर द सिटीज। उस टाइम के सोसाइटी में भी किसान लोग थे, व्यापारी थे, और क्राफ्ट पीपल थे जो कि क्राफ्ट का काम करते थे, बिल्डर्स थे जो मकान बनाते थे, ऑफिशियल्स यूज के भी लोग थे जो कि सिटीज का पूरा से ध्यान रखते थे। द फार्मर ग्रू मैनी क्रॉप्स सच एज वीट, बार्ले एंड पीस, और वहाँ के जो फार्मर्स थे वो वीट का, बार्ले का और पीस की खेती करते थे। हरप्पन क्राफ्ट पीपल वर वेरी स्किल्ड, और जो वहाँ के क्राफ्ट पीपल थे वो बहुत ही कुशल थे। अब आप नेक्स्ट पेज खोलेंगे, पेज नंबर 66। दे यूज द टाइप ऑफ क्ले कॉल्ड टेराकोटा टू मेक इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट सच एज ज्वेलरी टॉयज एंड यूटेंसिल्स अपार्ट फ्रॉम क्ले, जो है वो यूज करते थे क्ले को जिसको टेराकोटा कहते थे, जिससे कि वो ज्वेलरी बनाते थे, टॉयज बनाते थे और बर्तन बनाते थे, और ये एक मिट्टी का पार्ट है। दे ऑल्सो यूज मेटल, और वो मेटल को भी यूज करते थे। ये देखो ये पिक्चर बनी हुई है, रीस्टोर्ड टेराकोटा पॉट्स, बड़े बड़े मिट्टी के पॉट्स बने हुए हैं, और एक ये स्टेटस ऑफ द डांसिंग गर्ल्स, ये किससे बना हुआ है, मेटल से। द फेमस स्टेटस स्टैचू ऑफ द डांसिंग गर्ल मेड अप ऑफ ब्रोंज, ये तांबे का बना हुआ है, जिस एक मेटल होता है तांबा उससे बना हुआ है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ देयर स्किल्स, जो उनकी जो कुशलता के एग्जाम्पल है ये। द डॉकयार्ड हैज बीन डिस्कवर्ड एट लोटाल, डॉकयार्ड एक म्यूजियम का नाम है जो कहाँ पे पाया गया, लोटाल में। दिस शो दैट द हरप्पन्स मस्ट हैव बिल्ड शिप्स एंड यूज देम फॉर ट्रेड विद अदर प्लेस, फिर हरप्पन्स ने शिप्स बनाए जिससे कि वो व्यापार करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह में जाने लगे और व्यापार करने लगे। हरप्पन्स ट्रेडेड विद मेसोपोटामिया, ईरान एंड अफगानिस्तान, को व्यापार किन सिटीज में करने लगे, मेसोपोटामिया में, ईरान में और अफगानिस्तान में। हरप्पन सील्स हैव बीन फाउंड इन दीस प्लेसेस, और इन जगह पर हरप्पन्स की सील्स भी पाई जाती है। देखिए ये बनी हुई है बुक में आपकी, द हरप्पन सील। मैन एंड वुमन वोर सिंपल क्लोथ्स एंड ज्वेलरी, चिल्ड्रंस प्लेड विद टॉयज मेड ऑफ क्ले, वहाँ के लोग जो हैं और आर्मी और औरत दोनों ही बहुत सिंपल कपड़े पहनते थे और ज्वेलरी पहनते थे, और वहाँ के बच्चे जो हैं वो
मिट्टी के बने हुए खिलौनों के साथ खेला करते थे। पीपल वॉर्शिप द मदर गॉडेस एंड लॉर्ड पशुपति और द गॉड ऑफ एनिमल। वहाँ के लोग जो अपनी मातृभूमि को बहुत पूजते थे और भगवान पशुपति को जो कि एनिमल्स के और द गॉड ऑफ एनिमल्स और एनिमल्स के गॉड है उनको पूजते थे। एवर आफ्टर ट्राइंग वेरी हार्ड हिस्टोरियंस हैव बीन अनेबल टू रीड द राइटिंग ऑफ द हरप्पन्स। जो वहाँ के इतिहासकार थे वो इतनी हार्ड उन्होंने राइटिंग लिखी थी कि वो नहीं समझ पाए। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर स्टिल अ मिस्ट्री। और कुछ चीज़ें जो है वो रहस्य में मतलब रहस्य ही बन के रहेगी जो कि उनकी समझ में नहीं आई। मे बी वन ऑफ यू कैन ग्रो अप एंड रीड द स्क्रिप्ट एंड सॉल्व द मिस्ट्री। आफ्टर फ्लोरिशिंग फॉर मेनी ईयर्स बहुत साल बाद दिस सिविलाइजेशन सडनली डिक्लाइन। इसमें इसके जो ये फल फूल रहे थे इसमें गिरावट आने लगी। उसका रीजन क्या रहा वो वी डू नॉट नो व्हाई दिस हैपेंड। हमें नहीं पता था ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जो पता लगा वो ये है कि द पीपल्स माइट हैव डाइड ड्यू टू सम डिजीज और मे हैव बीन अटैक्ड बाय एन एनिमीज। कुछ उस टाइम बीमारी आ गई जिसकी वजह से लोग मरने लगे और कुछ के दुश्मनों ने अटैक कर दिया। फ्लोट्स और अर्थक्यूब कुड हैव ऑल्सो डिस्ट्रॉयड दिस सिटीज। और उस टाइम बाढ़ आई और अर्थक्यूब यानी भूकंप आए जिससे कि कुछ सिटीज डिस्ट्रॉयड होगी, खत्म होगी। वट वी डू नो दैट इज दैट इवन टूडे पीपल लिविंग इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान यूज बर्न ब्रिक्स टू मेक देयर होम। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो पार्ट्स थे पाकिस्तान और इंडिया के वो सिटीज में लोग क्या करने लगे, बर्न अच्छे से पकी हुई ब्रिक्स का यूज करने लगे अपने घर बनाने में। टेराकोटा पॉट्स टू स्टोर देयर ग्रेन। और बड़े बड़े टेराकोटा के पॉट्स जो थे उनमें ग्रेन स्टोर करने लगे। सिमिलर कार्ड्स ड्रॉ बाय एनिमल्स एज द हरप्पन डेज। और उन्होंने फिर क्या किया, सिमिलर कार्ड्स बनाए जो कि जानवरों के कार्ड्स जो घेड़ा गाड़ी बोलते हैं वो बनाए एनिमल्स के साथ वो करने लगे। और ये इस पेज पे देखिए पेंटिंग बनी हुई है लोटल डॉकयार्ड की, जो बड़ा सा म्यूजियम बना हुआ है। हरप्पन सील्स बनी हुई है, ये सब इस पेज पे बना हुआ है। आप अच्छे से इसको रीड करेंगे लेसन को और पढ़ेंगे हमने इस लेसन में क्या पढ़ा, हरप्पन जो सभ्यता थी आपकी उसकी लोकेशन क्या थी, सिटीज क्या थी और वहाँ के पीपल्स की लाइफ क्या थी। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे स्टूडेंट, अब हम करेंगे एक्सरसाइज पेज नंबर 67। फिल इन द ब्लैंक्स। द सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड इन 1922। हरप्पन सील्स हैव कार्विंग ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस एनिमल एंड द हरप्पन राइटिंग ऑन देम। The Harappan houses were made of mud or clay bricks. The remains of a big greenery have been found in Harappa. Floods or earthquake could have destroyed the Harappan cities. यस नेक्स्ट करेंगे मैच द कॉलम्स। मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ, हरप्पा ग्रीनरी, लोटल डॉकयार्ड, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, टेराकोटा पोट्री। चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। The city of Harappa was discovered in 1921. Some of the Harappan houses had two stories. हमने लेसन में पढ़ा था ना डबल स्टोरी बने हुए थे टू स्टोरीज वाले। The Harappan houses had a courtyard in the center. बीच में क्या होता था घरों के आंगन। Harappan farmers grew बार्ले वीट पीस ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो तीनों चीज़ों का खेती करते थे। द हरप्पन्स हैड डैश रिलेशन विद मेसोपोटामिया ईरान एंड अफगानिस्तान। क्या किया था उन्होंने, कौन सा रिलेशन था, ट्रेड का यानी व्यापार का। फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई हु आई एम। आई एम अ रिवर नियर विच टू इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन आर लोकेटेड।
इंदूज रिवर के पास में टू मेन इम्पॉर्टेंट सिटीज थी। आई एम अ पीस ऑफ ए मेटल और स्टोन विथ सम कार्विंग ऑन इट। सील्स बनी थी ना मेटल और स्टोन की। आई एम द बिग वाटर टैंक फाउंड इन मोहनजोदारो। ग्रेट बाथ, बड़ा सा वाटर टैंक मिला था जिसका नाम क्या रखा गया था, ग्रेट बाथ। आई एम अ मेटल यूज बाय हरप्पन क्राफ्ट पीपल्स। ब्रॉन्ज, तांबे को यूज करते थे ना। आई एम द हरप्पन गॉड ऑफ एनिमल्स, लॉर्ड पशुपति। जो गॉड थे एनिमल्स के, लॉर्ड पशुपति, उनको हरप्पन्स भी पूछते थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। यस, क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर द मेन सोर्सेस दैट टेल अस अबाउट द हरप्पन सिविलाइजेशन। जो मेन सोर्सेस क्या क्या हैं, द मेन सोर्सेस दैट टेल अस अबाउट दिस सिविलाइजेशन आर द सिटीज, रिमेन्स ऑफ हाउसेस, पोट्रीज, ज्वेलरीज एंड सील्स। इन चीज़ों से हमें हरप्पा सिविलाइजेशन के बारे में पता लगता था। नेम द मेन सिटीज ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। मेन सिटीज कौन सी थी, द मेन सिटीज वर हरप्पा, मोहनजोदारो, लोटल, रोपर, धोलावीरा एंड काली बागान। वट इज़ द मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स अबाउट द हरप्पन सिटीज। द मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स अबाउट दिस सिविलाइजेशन इज दैट द सिटीज वर वेरी वेल प्लान्ड एंड हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। क्या थी मेन रिमार्केबल बातें, थी कि जो वहाँ की सिटीज थी वो बहुत प्लांट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुम डिड द पीपल वॉर्शिप। वहाँ के लोग कौन कौन से भगवान की जो है पूजा करते थे। पीपल वॉर्शिप द मदर गॉडेस, मातृभूमि की, एंड लॉर्ड पशुपति, भगवान पशुपति की, और द गॉड ऑफ एनिमल, जिसको जानवरों का भगवान कहा जाता है, पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द सिविलाइजेशन कम टू एन एंड। दस पीपल माइट हैव डाइड ड्यू टू सम डिजीज और मे हैव बीन अटैक्ड बाय एन एनिमी। ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे कैसे ख़त्म होने लगी, कुछ पीपल्स को तो बीमारियां हो गई और कुछ पे एनिमल्स ने अटैक कर दिया। फ्लोट्स और अर्थ क्यू कुड हैव ऑल्सो डिस्ट्रॉयड द सिटीज। और बाढ़ आती थी और भूकंप आते थे जिससे कि ये सिटीज डिस्ट्रॉय होने लगी। अब आपने जो ये अभी एक्सरसाइज की है, हमने बुक में देखिए पेज नंबर 67 में फिल इन द ब्लैंक्स, पेज नंबर 68 पे मैच द कॉलम, पेज नंबर और थर्ड है चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल द ब्लैंक्स एंड आइडेंटिफाई हु आई एम। ये एक्सरसाइजेस आप अपनी बुक में करेंगे और जो हमने अभी क्वेश्चन आंसर्स किए हैं ये क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी कॉपी में यानी नोटबुक में करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।